हेलो गाइस, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम बनाएंगे कप पिज़्ज़ा। कप पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड के पीस ले लिए। अभी इनको हाथ से तोड़ के एक मिक्सचर जार में डाल लेंगे और इनको दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेड को दरदरा पीस लिया। अभी इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, येलो कैप्सिकम बारीक कटी हुई, साथ में एक प्याज बारीक कटा हुआ। अभी हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न। दो टेबलस्पून ओरिगेनो, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स, दो टेबलस्पून सॉस डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अभी हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। इसमें जो हमने ब्रेड को दरदरा पीसा है उसको हल्का भून लेंगे। इसको ब्राउन होने तक भूनना है जिसमें हमारे ब्रेड में हल्का क्रिस्पीनेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी ब्रेड ब्राउन हो गई। अभी इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 कप मोजरेला चीज़ का भी इसके साथ ऐड कर लिया, क्योंकि कप पिज़्ज़ा बनाने के लिए मोजरेला चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप में जो हमने ब्रेड को भुना है, 3 टेबलस्पून ये लिए। अभी इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने मिक्स करके रख रखा है, साथ में इसके ऊपर डालेंगे मोजरेला चीज़। वेजिटेबल्स को पूरा कवर कर लेना है और ग्लास में दबा दबा के इसको भर लेना है। अभी इसके ऊपर फिर से डालेंगे ब्रेड क्रंच। उसके ऊपर डालेंगे वेजिटेबल्स, फिर से डालेंगे चीज़। इसको दबा दबा के फिर से भर लेंगे। ऐसे करके दोनों गिलास मैं रेडी कर लेती हूँ। अभी हम इनको माइक्रोवेव में बनाएंगे। हमारे 2 कप रेडी हो गए। अभी इनको डालेंगे माइक्रोवेव में 5 से 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देने। उसके बाद हमारा कप पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा कप पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये कप पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।